दोस्तों नमस्कार, आप सबका लाइव प्रिपरेशन के एपिसोड में बेहद स्वागत है। मैं हूं अंगद अश्रो। और दोस्तों, ट्विन फ्लेम आखिर एक दूसरे को ढूंढते कैसे हैं? दोस्तों, एक तरह की लोनलीनेस का एहसास होते रहना, और जब आप उससे मिल जाते हैं, उनसे मिल जाते हैं, तो आप कंप्लीट फील करते हैं। ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हाथ में, हॉरोस्कोप में? मैंने आई बटन पे उस वीडियो को लगाया है, इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो पे डिटेल से बात करने वाला हूँ, ट्विन फ्लेम आखिर एक दूसरे को ढूंढते कैसे हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरीथिंग इज एनर्जी, एक वाइब्रेशन के फॉर्म में है, एक स्पंदन के फॉर्म में है। जैसे स्ट्रिंग थ्योरी कहती है, एवरीथिंग इज एनर्जी, एक वाइब्रेट, हर एक पदार्थ से लेकर व्यक्ति वाइब्रेट कर रहा है। एनर्जी चाहती है अपनी लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन में जाए। तो इस कारणवश क्या होता है कि हमारी सोल भी ये इमेजिन करती है, ये चाहती है, उसकी डिजायर होती है उसकी वाइब्रेशंस हायर हो जाएं, जिसमें उसके अंदर अवेकनिंग आए, वो फिर अपने आप को जान सके। तो जो भी लोग अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, चाहे वो फिजिकल चीज़ों को पाना हो, सुख सुविधाएँ हों, गाड़ी घर मकान ये सब चीज़ें हों, इनकी तरफ फोकस होगा, तो क्या करेंगे, सोल इसकी डिज़ायर करेगी। अगर कोई सोल बहुत ज़्यादा चाहती है कि मैं स्पिरिचुअली ग्रोथ करूँ, मैं अपने आप को जानूँ मैं कौन हूँ, तो ये डिज़ायर तब होती है जब आपके पास शरीर नहीं होता है। जब शरीर नहीं होता तो आपके एक ही सोल या अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। दोस्तों, इसमें एक वर्ड निकल के आता है, मिरर इमेज। जैसे होती है एक सोल इमेज भी होती है, वैसे ही इसको परिभाषित करते हैं, इसको कहते हैं पूरक आत्माएं। तो पूरक आत्माएं कौन सी होती हैं दोस्तों, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मिरर सोल इसको कहा गया है। तो ये क्या करते हैं, आपको एग्जैक्टली पता होगा जैसा मैं हूँ वैसा कोई दूसरा पर्सन भी है। आप एक सर्चिंग मोड में रहेंगे, आप काफ़ी सारे लोगों से मिलेंगे, सर्च करेंगे आपके अंदर। ऐसे तो लोनलीनेस बहुत सारे लोगों में होती है, लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो बचपन से स्पिरिचुअल होते हैं, और उनके लाइफ आसपास के लोग चाहे जैसे हों, वो एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं कि वो सर्चिंग मोड में रहते हैं और खोजते रहते हैं किसी को। के साथ ही दोस्तों, जो मैं इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ आप लोगों को, वो ये है कि आखिर ये दोनों ढूंढते कैसे हैं एक दूसरे को, सोलमेट्स कहें या लाइफ पार्टनर कहें। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, हो सकता है कि जो भी सोलमेट हो वो एक दूसरे से अलग भी हो जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ट्विन फ्लेम की जहाँ तक की बात है, वो दोनों साथ ही में रहते हैं, वो दोनों क्योंकि एक ही पार्ट के हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन भी उन लोगों के बीच आ जाए, लेकिन वो लोग अलग नहीं हो पाएंगे, ये बेसिकली अंतर होता है। तो एक दूसरे को ये ढूंढते कैसे हैं, काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है कि मैं जर्नी में हूँ या मैं कैसे ढूंढूँ, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आए हैं। तो मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ, ये एक इनकम्प्लीटनेस का एहसास, एक बहुत ज़्यादा खालीपन का एहसास, मतलब एक नॉर्मल खालीपन होता है, आपको किसी से बात करनी है लेकिन आपको लगेगा बहुत ज़्यादा। इसीलिए कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं, उनकी लाइफ में कोई पर्सन समवन आता है तो उनकी अचीवमेंट, उनके गोल्स अचानक बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो सोल अवेकनिंग है, वो अचानक लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन में पहुंच जाती है। इस कारण क्या होता है कि आपको सडन संसाधन मिलने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई, उससे पहले भी आप बहुत सुखी होते हैं, आपके पास माता पिता होते हैं, सारी सुख सुविधाएं भी हो सकती हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक इनकम्प्लीटनेस का एहसास, आपको एक तन्हाई का जबरदस्त एहसास होगा। और आप ये जानते होंगे पर्टिकुलर ट्विन फ्लेम की जर्नी में कि सामने वाला जो मिलेगा वो जस्ट लाइक अ मी, वो कुछ मेरी तरह से होगा। तो इस तरह की जो लोग होते हैं वो अपनी जर्नी पूरा जरूर करते हैं, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा फोकस होना है, आप थोड़ा सर्चेबल रहना है, सेटिस्फाई नहीं होना, क्योंकि आप जिससे बात कर रहे हैं, हो सकता है अट्रैक्शन वश आप किसी से बात ज़्यादा करने लगे तो हो सकता है व्यवधान उत्पन्न हो और वहाँ तक आप जल्दी ना पहुँच पाए। तो आपको फोकस रहना है कि क्या वो समवन पर्सन है। उसके लिए कुछ आप सिमिलैरिटी देख सकते हैं, दोनों में सेम होंगी। मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस भी बताए हैं इस दूसरी वीडियो में, कौन कौन से हाथ में और हॉरोस्कोप में इंडिकेशन होते हैं, आप भी देख के जान सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो भी लोग स्पिरिचुअली ग्रोथ अचानक से कर जाते हैं, उसका रीज़न भी यही होता है कि वो ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में होते हैं। इसके आगे दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम में बेसिक डिफरेंस होता है, और जो मिरर हमने सोल की बात की है, एक पूरक आत्माओं की बात की है, वो भी आगे की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो अपने दोस्त साथियों तक भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनके तक ये भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आगे किसी और वीडियो हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे होम,
नमस्कार दोस्तों।